हेलो एवरी वन माइ से मयूर परियानी फ्रॉम एडुगुरु जी टूड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी डुएबल क्वेश्चन ऑफ आई पी एम एट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एमसीक्यू पोर्शन हमको जैसा कि पता है कि आईपीएम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जनरल स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सेक्शन का जो कट ऑफ था दैट वॉज ट्वेंटी वन दैट मीन्स वी हैव टू कवर ओनली फाइव टू सेवन क्वेश्चन आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन वर दे आर ट्वेंटी क्वेश्चन आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन वी हैव टू कवर ओनली सिक्स टू सेवन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ बट उन क्वेश्चन में से एट टू टेन बहुत ईजिली डुएबल क्वेश्चन थे बट हमको बस वो क्वेश्चन पिक करना होता है जैसे वहां पर हमने देखा था कि कुछ एक एल आर बेस डी आई का जो क्वेश्चन आया था वो काफी इजिली डुएबल था जिनको थोड़ा सा गेम्स के बारे में कुछ आइडिया है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के लॉजिक्स के रिगार्डिंग वो उन क्वेश्चन को काफी ईजिली कर सकते हैं उसके अलावा भी हायर मैथमेटिक्स के कुछ बहुत इजिली डुएबल क्वेश्चन थे तो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हम काफी इजिली एग्जाम कंडीशन में उन क्वेश्चन को कर सकते थे सो लेट स्टार्ट विद द विदेशन Here, our first question is suppose that log base 2 log base 3 log a base 4 is equals to log base 3 log base 4 log b base 2 is equals to log base 4 log base 2 log c base 3 is equal to 0, then the value of a plus b plus c is. लॉगरिदम का डायरेक्ट क्वेश्चन है सिर्फ हमको इतना सा पता होना चाहिए कि की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है मतलब हम स्टेटमेंट को एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट से लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस टू इज इक्वल टू फाइव यहां से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट मीन वी वॉन्ट टू रिमूव द लॉग लॉग हटाएंगे तो यहाँ एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा बेस आर में चला जाएगा और आर में जो नंबर लिखा है वो उसकी पावर में आ जाएगा सो so, इस तरीके से हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो यही लॉजिक हमको इस पूरे क्वेश्चन में लगाना है और हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहां पर हमको दिख रहा है कि ये तीन टर्म्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही जीरो के इक्वल है तो हम तीनों को एक एक करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं सो दिस विल बिकम लॉग बेस टू लॉग बेस थ्री लॉग a बेस 4 दिस इज गिवन एज 0 तो सबसे पहले हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया अब हमने अभी जैसा कि वो लॉजिक में सीखा कि हमको ये वाला लॉग हटाना है तो बेस तो आरएचएस में चला जाएगा तो आरएचएस में हो जाएगा 2 की पावर 0 और बाकी का पूरा का पूरा टर्म ऐसा का ऐसा बच जाएगा ये पूरा टर्म यहां पर हमारा ऐसे ही बच गया लॉग बेस 3 लॉग a बेस 4 फिर एक बार और अगर हमको ये वाला लॉग हटाना है तो अब हम क्या करेंगे थ्री वहां चला जाएगा टू की पावर जीरो हमको पता है 1 होता है, दिस इज़ टू वाला टर्म पूरा का पूरा ऐसा बच जाएगा हम इस वाले लॉग को भी अगर हटाएं तो ए यहां बच जाएगा और फोर वहां चला जाएगा विच बिकम्स फोर टू पावर थ्री विच इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सो हियर वी आर द वैल्यू ऑफ ए ए की वैल्यू हमारे पास आ गई यही लॉजिक लगाते हुए हम सेकंड इक्वेशन से बी फाइंड आउट कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन से सी फाइंड आउट कर लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लेट्स फाइंड द सेकंड सेकंड टर्म टर्म में हमको गिवन है बेस 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 दिस इज हैल्सो इक्वल टू जीरो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करें ये वाला लॉग हटाएंगे थ्री वहां जाएगा थ्री टू दावर जीरो हो जाएगी वन दैट मीनस ये बचेगा लॉग

थर्ड टर्म उठाना पड़ेगा थर्ड टर्म हमको गिवन है लॉग बेस फोर लॉग बेस टू लॉग सी बेस थ्री दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो लॉग हटाएंगे हम ये लॉग हटाएंगे सो दिस बेस टू लॉग सी बेस थ्री इज इक्वल टू फोर टू द पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन फिर ये वाला लॉग हटाएंगे तो लॉग सी बेस थ्री विल बी इक्वल टू टू वहां जाएगा टू टू पावर वन विच इज इक्वल टू टू और यहां से लॉग हटाएंगे तो सी विल बी इक्वल टू थ्री टू दावर टू विच इज इक्वल टू नाइन सो ना वी आरविंग द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी एज वेल एस सी और हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी पूछा है सो ए हियर इज सिक्सटी फोर प्लस बी हियर इज सिक्सटीन प्लस सी हियर इज नाइन एंड ऑन एडिंग दीज थ्री टर्म्स वी आर गेटिंग अवर आंसर एज एटी नाइन सो दंसर टू दिस क्वेश्चन इज एटी नाइन तो जिनको सिर्फ लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमको लॉग हटाना है तो वहां वो टर्म एज एट इज रहता है और जो बेस है वो आर में चला जाता है आर में जो टर्म है वो उसकी पावर में चला जाता है सिर्फ अगर हमको ये चीज पता है जो कि हम लॉग एर के स्टार्टिंग डे पर पढ़ते हैं इवन फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में पढ़ते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरीके से किए जाते हैं सो इफ व्यू आर हैविंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कन्वर्जन देन वी वर इन अचुएशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेंट इज द रेशियो ऑफ एंड ए फाइव एक एपी में एस एन जो है वो एंड टर्म्स का सम है नाव वी आर हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एस एन एस एन मीन समर्म्स ऑफ एन एपी समर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ठीक है वहां पर हमको एक कंडीशन गिवन है एस फाइव इक्वल्स टू एस एन तो हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हमको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल रखने वाले फाइव बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन मीन्स फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन मीन्स फोर डी दिस इज इक्वल टू अगेन एन बाई टू मीन्स नाइन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन अगेन एन माइनस वन एन हियर इज नाइन सो नाइन माइनस वन इज एट डी हम चाहे तो ये वाला टू और टू कैंसिल कर लें. अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दिस बिकम्स टेन ए प्लस ट्वेंटी डी इज इक्वल टू एटीन ए प्लस सेवेंटी टू डी हम ए ए वाली सारी टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं टेन ए माइनस एटीन एस माइनस एट ए दिसवल टू सेवेंटी डी विच इज इक्वल टू फिफ्टी टू डी और यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सो दिस विल बिकम फोर से कैंसिल होके कैंसिली सो हेयर वी आर हैविंग अ रिलेशन बिटवीन एंड क्योंकि हमारे पास ए की कंडीशन थी और दो वेरिएबल थे तो हम ए और डी दोनों की वैल्यूज तो नहीं फाइंड आउट कर पाए बट हाँ हम ए और डी के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट कर पाए हैं और हमको वैसे भी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं पूछी हमसे रेशो ही पूछा है हमसे रेशो पूछा गया है ए थ्री इज टू ए फाइव दैट मीन्स ए थ्री का मतलब हमको पता है क्या होता है ए प्लस टू डी अपॉन ए फाइव का मतलब होता है ए प्लस फाइव डी ए प्लस फोर डी एम सॉरी ए फाइव का मतलब होता है ए प्लस फोर डी सो ए थ्री मीन्स ए प्लस टू डी एंड ए फाइव मीन्स ए प्लस फोर डी ए की वैल्यू हम रख देते हैं माइनस थर्टीन बाई टू डी प्लस टू डी अपॉन माइनस थर्टीन बाई टू डी प्लस फोर डी इसको हम करेंगे करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में टू है एलसीएम के बाद वो denominator के denominator में जो 2 है वो हो जाएगा माइनस इन केवर ऑप्शन ए विच इज अवर आंसर बस सिर्फ हमको एस का फॉर्मूला अप्लाई करना था वहां से एक रिलेशन मिल रहा था

हमको अगर से मतलब होता है तो हमारा सिर्फ यूनिट डिजिट पे होता है बेस का पावर का यूनिट डिजिट नहीं लेना पावर का यूनिट लेंगे तो, तो फिर थर्टी सेवन प्लस सेवन टू दावर नाइनटी सिक्स हम हमारे क्वेश्चन को हमारी थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी के लिए ऐसा छोटा कर देता है अब हमको पता है कि थ्री की साइक्लिसिटी है फोर थ्री की साइक्लिस मतलब की जो पावर्स हैं

तो हम यहां पर देख पा रहे हैं थ्री नाइन सेवन वन का एक ग्रुप बना आगे फिर से देखो थ्री नाइन सेवन और अगले टर्म में बनाने वाला है मतलब क्या हो रहा है कि थ्री की जो पावर्स हैं हर चार चार की साइकिल के बाद रिपीट करती है हर चार चार की साइकिल के बाद अगर थ्री की पावर रिपीट करती है दैट मीन्स मैं एटी फाइव के अंदर देख लेता हूं कि फोर फोर की कितनी पावर्स है तो वो पावर्स जो है वो फोर के मल्टीपल दैट मीन एटी फोर पे खत्म हो जाएगी बचेगी कितनी वन दैट मीन दिस विल बिहेव लाइक थ्री टू द पावर वन माइनस फाइव की तो हम कोई भी पावर ले लें फाइव की पावर वन भी फाइव पर एंड होती है फाइव की पावर टू ट्वेंटी फाइव की पावर थ्री वन ट्वेंटी फाइव वो भी फाइव पर एंड होती है फाइव की पावर फोर सिक्स पर एंड होती है तो फाइव की कोई भी पावर आए किस पर एंड होती है फाइव पर ही एंड होती है प्लस सेवन सेवन की साइक्लिसिटी के बारे में अगर हमको थोड़ा सा पता होगा तो उसका पैटर्न भी बिल्कुल थ्री के जैसा चलता है टू थ्री सेवन और एट इन चार नंबर की जो साइक्लिसिटी है इन चार नंबर्स की जो यूनिट डिजिट का साइकिल है फोर फोर है मतलब चार चार के बाद रिपीट करते हैं अब यहां पर हम देख पा रहे हैं तो नाइनटी सिक्स तो सीधा का सीधा क्या है फोर का मल्टीपल है अब अगर वो नंबर फोर का मल्टीपल है दैट मीन्स सेवन की हमको कौन सी पावर लेनी पड़ेगी जो फोर का मल्टीपल है दैट मीन्स फोर्थ पावर हमको पता है सेवन की फोर्थ पावर होती है टू फोर जीरो वन किसी को नहीं भी पता होगा तो हमको पूरी पावर नहीं निकालना है सेवन की पावर वन होती है सेवन सेवन की पावर टू होती है फोर्टी नाइन जिसका यूनिट डिजिट है 9, 7 की पावर अगर हमको नहीं भी पता है हम यूनिट डिजिट्स पे काम कर रहे हैं तो हम इसकी यूनिट डिजिट देखो और यूनिट डिजिट को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन मतलब पीछे वन आएगा ठीक है तो इसकी भी पावर में क्या आने वाला है पीछे वन अब हमको यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये माइनस है तो हम इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखनी चाहिए हमको दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से बड़ा है तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमको कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड का लॉजिक लगेगा बोरो करने का लॉजिक लगेगा तो बोरो करेंगे तो दिस विल बिहेव लाइक थर्टीन थर्टीन में से फाइव गया आ गया एट एट प्लस वन अस नाइन सो नाइन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन किसी को अगर ये लॉजिक नहीं क्लिक होता हो हम थ्री माइनस फाइव प्लस वन पर जाते हैं तो एक दूसरा मेथड भी है जिससे वो जीरो से लेकर नाइन तक की होती है ठीक है।, है मतलब टोटल हमारे पास टेन ऑप्शन होते हैं उन टेन में से हम अगर ये लॉजिक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा जिनको थोड़ा सा नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो अगर अच्छे से आता हो माइनस वन माइनस वन का मतलब होता है टेन माइनस वन बे टेन माइनस वन क्यों किया क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की जो डिजिट्स होती है वो जीरो से लेकर नाइन तक होती है दैट मींस वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ टेन डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स तो टेन में से वन माइनस करेंगे तो हमको नाइन मिल जाएगा हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं अदरवाइज ये वाला लॉजिक तो काफी इजिली कंफर्टेबली हमको समझ में आना चाहिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाइन सो दिस क्वेश्चन बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो चैलेंज डाल दिया था उन्होंने इस माइनस के कारण डाल दिया था बाकी तो जिन लोगों को यूनिट डिजिट का थोड़ा सा भी आइडिया है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मूव टू द द नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ फोर डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स फोर डिजिट इज परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसा क्वेश्चन लगता है बट उससे ज्यादा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है हमसे रेशो पूछा है किस चीज का रेशो पूछा है एक फोर डिजिट नंबर ऊपर एक फोर डिजिट नंबर लिखना है और नीचे उसके डिजिट्स का सम करना है समय से हम एक नंबर उठा लेते हैं one, two, three, तो हमने एक फोर डिजिट का नंबर लिया वन टू थ्री फोर डिवाइडेड बाई उसकी डिजिट्स का सम हमको दिख रहा है टेन यहां से अगर हम इसका रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमको समथिंग मिल रहा है वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर ठीक है ये हमने एक एग्जाम्पल लेट किया बट उन्होंने बोला है कि इस रेशो की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है वॉट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ दैट फोर डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई सम अब अगर हमको रेशो के बारे में पता करना है रेशो को मैक्सिमाइज करना है रेशो को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर बड़े से बड़ा हो और डिनिनेटर छोटे से छोटा हो इसी केस में हमारा क्या होता है आ, जो भी हमारा फ्रैक्शन रहता है जो भी हमारा रेशो रहता है वो मैक्सिम जाता है अब ऐसे में न्यूमरेटर को बड़े से बड़ा रखना है तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं नाइन 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 बट अगर हमने न्यूमरेटर में लिया तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू भी काफी बड़ी है थर्टी सिक्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी समथिंग टू हंड्रेड की लाइन में कुछ कुछ जाएगा जो कि हमारे एक ऑप्शन में तो है बट ये तो हमारा एक बेसिक हिट एंड ट्रायल था हम और कुछ करने की देखें तो अभी हमने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया कि न्यूमरेटर को बड़ा करो डिनोमिनेटर को छोटा करो एक उल्टा लॉजिक भी लगा सकते हो कि डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा कर दो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हम छोटी से छोटी लेना चाहें तो चार डिजिट्स का मिनिमम टू मिनिमम सम कितना हो सकता है वन क्यों? अगर हम एक नंबर ले लेते हैं थाउजेंड लेटेस्ट से हमने एक नंबर लिया थाउजेंड तो थाउजेंड एक फोर डिजिट नंबर है जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे सारी डिजिट्स का सम यहां पर जैसे ही हमने सारी डिजिट्स का सम किया तो हमको मिलेगा वन और थाउजेंड अपॉन वन कितना होता है थाउजेंड एग्जाम कंडीशंस में अगर ये नंबर हमको जल्दी क्लिक हो गया तो देखो थाउजेंड अपॉन वन होता है थाउजेंड अगर हम ऑप्शन में देख रहे हैं थाउजेंड है भी सही और थाउजेंड अगर हमको आंसर मिल गया तो हम बाकी ऑप्शंस ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हाईएस्ट पूछा है और उन चारों ऑप्शन में जो हाइएस्ट ऑप्शन है वो थाउजेंड ही है मतलब हमको और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है इनकेस अगर हम ट्रिपल नाइन की तरफ पहुंचते हैं आंसर में तो ट्रिपल नाइन के बाद हमको एक सेकेंड थॉट देना पड़ता कि कहीं ट्रिपल नाइन की जगह किसी नंबर पे थाउजेंड आ सकता है कि नहीं बट अगर थाउजेंड आ गया तो वो तो हाईएस्ट पॉसिबल है दैट दट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थाउजेंड थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था देखा जाए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली हमारे किसी स्पेसिफिक टॉपिक का था किसी टॉपिक का नहीं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है आईपी मेट जैसी एग्जाम्स में हम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग डिजिट चलो रिपिटेशन नॉट अलाउड के बारे में बोल दिया फाइव डिजिट के बारे में बात करने को बोलिए रिपिटेशन नॉट अलाउड है क्योंकि डिस्टिंग डिजिट्स बोले हैं ट कैन बी फॉर्म सर्च डेट ओनली ऑड डिजिट अकर एट ऑड प्लेसेस देखो लैंग्वेज का खेल है यहां पर ओनली ऑड डिजिट अकर एट ऑड प्लेसेस मतलब ऑड प्लेसेस पर ऑड ही आना चाहिए एक और स्टेटमेंट हो सकता था ऑड डिजिट अकर एट ओनली ऑड प्लेसेस

इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर आप ऑर्ड प्लेसेस पर ऑड डिजिट रख रहे हो तो आपको इवन पे इवन ही रखना है उन्होंने ये कंडीशन नहीं बोली है उन्होंने क्या बोला है उन्होंने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन हमको किसका दिया है कि ऑर्ड प्लेसेस पर तो ऑड ही आए इवन पर ऑड आए या इवन आए ये कहीं नहीं बोला है दैट मीन्स हमको दोनों केसेस कवर करने पड़ेंगे और ये ही इस क्वेश्चन का ट्रैप था सिर्फ इस वर्ड के कारण इस क्वेश्चन में एक ट्रैप आ चुका है कि ओनली की जो पोजिशन है ये आगे पीछे हो गई है अगर हमको ऐसा बोलते कि ऑड 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 डिजिट डिजिट अकर एट ओनली प्लेसेस मतलब क्या हुआ कि जो है 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 वो सिर्फ पे पे ही आ सकता है, पे नहीं आ सकता सकता इवन नहीं बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ऑड डिजिट जो है वो ओनली ऑड डिजिट अकर एट ऑड प्लेसेस मतलब ऑड प्लेसेस पर सिर्फ ऑड डिजिट ही आएगी तो ऑड प्लेसेस पर ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस एंड सेवंथ प्लेस इस पर तो हम ऑड ही रखेंगे तो ऑड के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास इन पांचों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है अब एक नंबर जो हमने यहां रख दिया एक डिजिट जो यहां रख दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड है दैट यहां के लिए हमारे पास चार ही ऑप्शन बचेंगे और यहां के लिए फिर हमारे पास तीन ही ऑप्शन बचेंगे तो हमने ऑड पोजिशन पर तो ऑड डिजिट्स रख दिए

ऑल दीज टर्म्स टू गेट अवर फाइनल आंसर और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्टी फाइव इंटू फोर इज वन फोर्टी इंटू एटीन इज टू फाइव टू जीरो का आंसर हमारा कितना है 2520 बेसिक फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ परमिटेशन का क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन में परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर किसी को आता है तो तो लगा लेगा एक्चुअल जो कंडीशन का डिफरेंस था वो यहां पर था कि हमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करना है हम जल्दी जल्दी में यह चीज गलत समझते हुए कि उन्होंने बोला है कि ऑर्ड पोजिशन पे ऑर्ड ही आना चाहिए इसका मतलब हम यहां से क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि इवन पर ईवन ही आना चाहिए ऐसा कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में दैट मीन्स हमको यह कंडीशन फोकस करनी पड़ेगी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी टू फाइव टू

कॉम्बिनेशन का अगर हम यहाँ पर लॉजिक लगाना चाहें तो हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमको कितने पॉइंट्स की नीड होती है दो पॉइंट्स की नीड होती है और यहां पर हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है सो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टेन सी टू बट हमको पता है कि इन टेन में से पांच पॉइंट्स ऐसे हैं कोलियर है कोलिनियर है मतलब वो एक ही लाइन में है अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है दैट मीन्स उनसे कितनी लाइन्स बनेगी फाइव सी टू वो फाइव सी टू मतलब टेन फाइव सी टू की वैल्यू टेन होती है वो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज सारी की सारी जो लाइन है वो सेम है पांच पॉइंट अगर कॉलिनियर है वन टू थ्री फोर फाइव मैं ये लाइन बना दू या फिर मैं ये लाइन बना दू या फिर मैं ये लाइन बना दू या फिर मैं ये लाइन बना दू सारी की सारी लाइन सेम ही तो है तो फाइव सी टू इन पांच पॉइंट से बनने वाली जितनी भी लाइन जो कि इसके अंदर कवर हो चुकी है वो सारी लाइन्स हमको नहीं लेना है दैट मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फाइव सी टू फ्रॉम दिस अब इसको करके हम कैलकुलेट अगर करते हैं सो दिस इज फोर्टी फाइव माइनस दिस इज टेन विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव अब थर्टी फाइव भी ऑप्शन में है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फिर से ट्रैप रहता है वो ट्रैप ये है कि हमने फाइव सी टू वाली सारी लाइन्स माइनस कर दी बट इन पांच पॉइंट से जो हमारे पास दस अलग अलग लाइन्स बन रही थी उन दस में से एक लाइन को तो गिनना पड़ेगा भले ही हम बोल रहे हैं कि वो सारी लाइन सेम है सारी सेम है तो सारी थोड़ी हटाएंगे उन सारी में से एक को तो काउंट करना पड़ेगा तो वो जो एक है वो यहां पर बढ़ जाएगी दैट द आंसर आंसर टू टू दिस दिस क्वेश्चन क्वेश्चन विल विल बी बी फाइनल सारे हम यहां पर देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से ट्रैप्स हैं बस अगर एग्जाम कंडीशन में टाइम प्रेशर में हम उन छोटे से ट्रैप्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं तो ये काफी इजिली डुएबल क्वेश्चन है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात करिए

और वो वाली जो हमारी नई लाइन है मतलब रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है तो हमको यहां पर उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है और नॉट एग्जैक्टली इक्वेशन पता करनी है उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा यह पता करना है बेसिक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है अगर हमको पता है कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है कैसे निकालते हैं दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो सो हाउ कैन वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एट इसको माइनस करेंगे हम सो दिस विल गिव अस वाईक्वल टू टू और अगर वाई की वैल्यू टू हमने किसी भी इक्वेशन में रख दी तो हमको एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है इसका मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो जीरो से पास हो रही है अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन जीरो से पास हो रही है और हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है अगर हमारी अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो हमको पता है कि उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है

कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस कर लेते हैं हमको इक्वेशन मिल जाएगी उसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे क्या बन जाएगी इक्वेशन थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इसको यहां लेकर आ गए हम तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स हमको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x a y b अगर हम यही यूज करना चाहते हैं तो देखो आरएचएस में वन है इस इक्वेशन की अगर आरएचएस में मैं वन बनाऊं तो वन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और जैसे ही इस पूरी इक्वेशन को मैं सिक्स से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन मेरी दिखेगी एक्स अपॉन सिक्स प्लस थ्री और सिक्स कैंसिलवल टू वन और यहां मैं इसको देख पा रहा हूं कि मेरे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई है दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ये मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से बताया ऐसा नहीं है कि हमारे पास पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं था हम यहाँ पर एम m1 m2 टूक्वल्स टू माइनस वन फिर फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं फिर सेकंड लाइन के निकाल रहे हैं फिर वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं ये सब कुछ लगा रहे हैं बिकॉज ये एकदम बेसिक चीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी कंफर्टेबल है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है और जिन्होंने बेसिक लेवल पे स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा हुआ है बट हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी हो जाता है जो कि हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं कि अगर एक लाइन हमको गिवन है और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो बी एक् माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारे परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मेट बनता है वहां से हमको सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला पॉइंट उसमें रख देते हैं उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बट वो लगाएं या ये लगाएं इस वाले में ठीक है हम बोल सकते हैं टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स हमारे एक्स्ट्रा लगते हैं बट करेक्ट आएगा इसकी श्योरिटी है सो आई होप दिस क्लियर एज लेट्स मूव टू देश बड़ा क्वेश्चन है इन द सेम डिरेट ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन एट एट पी एम इट इज नोन द सम ऑफ द स्पीड इज वन फोर्टी देन एट वॉट टाइम वु द सेकेंड ट्रेन ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन इफ instead the 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 second train 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 had started from the point in the same direction five hours after the first train. assume that both travel at the constant speed हमको में बोला है कि पहली एक ट्रेन है जो 12 नोन पे निकली है और दूसरी ट्रेन जो है वो उसके दो घंटे बाद निकली है दैट मीन्स 2 पी पे निकली होगी ये क्वेश्चन में हमको बोला है और हमको फिर आगे क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों अपनी कांस्टेंट स्पीड से चली है और पता चला है कि जो बाद वाली ट्रेन है दैट मीन्स जो 2 पी पे निकली थी उसने फर्स्ट वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया है ओवरटेक कर लिया है कितने आठ बजे आठ बजे मतलब अगर वो दो बजे चली थी तो उसने छह घंटे के बाद उसको ओवरटेक कर लिया है ये ट्रेन बारह बजे से आठ बजे तक चली ये ट्रेन दो बजे से आठ बजे तक चली दोनों ने अगर अगर यहां पर हम बोलें कि सेकेंड वाली ट्रेन ने फर्स्ट वाली ट्रेन को ओवरटेक किया इसका मतलब Osionfish. इन दोनों ने इसने आठ घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने घंटे में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हम यहां पर बोल पा रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेन ने आठ घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है सेकेंड ट्रेन ने छे घंटे में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है सो हियर वी कैन कंफर्म दैट द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट और अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो हमको पता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दैट मीन्स अगर फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन टाइम का रेशो एट इसी मतलब है तो इनकी स्पीड्स का रेशो कितना हो जाएगा रिवर्स बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब पहले वाले की स्पीड हो जाएगी थ्री एस दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी फोर एस बिकॉज द रेशो विल बी थ्री टू फोर क्योंकि टाइम का रेशो फोर इज टू थ्री है तो स्पीड का रेशो थ्री इज टू फोर हो जाएगा तो इन दोनों की स्पीड कितनी हो गई थ्री एस और फोर एस और हमको क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन कि दोनों की स्पीड्स का सम कितना है 140 सो वी आर गोइंग तो 3s एस विल भी सिक्सटी एंड फोर एस विल भी एटी हमको दोनों ट्रेन की स्पीड तो पता चल गई अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो सेकेंड वाली ट्रेन है जो दो बजे निकल रही थी वो दो बजे ना निकलते हुए पांच घंटे बाद निकले मतलब पांच बजे निकले तो वो फर्स्ट वाली ट्रेन को कितने टाइम बाद क्रॉस करेगी दैट मीन्स नाउ ओवर क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ट्रेन अगर ट्वेल्व नून पे निकल रही है और सेकेंड ट्रेन अगर फाइव पीएम पे निकल रही है तो हमको ये पता करना है कि सेकेंड वाली ट्रेन अनडाउटेडली सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है कभी ना कभी तो फर्स्ट वाली ट्रेन को वो क्रॉस करेगी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी देर के मतलब कितने बजे वो क्रॉस करेगी फर्स्ट वाली ट्रेन को यहां पर हमको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हम यहां पर देख पा रहे हैं कि पहली वाली जो ट्रेन है वो पांच घंटे तो अकेले ही चली है पांच घंटे अगर अकेले चली है हमको पता है फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है सिक्सटी सिक्सटी से फर्स्ट वाली ट्रेन पांच बजे तक मतलब पांच घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी सो सिक्सटी इंटू फाइव विल बी थ्री हंड्रेड ट मींस जब सेकेंड वाली ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया है तब फर्स्ट वाली ट्रेन ऑलरेडी थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स आगे है अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि अब सेकेंड वाली ट्रेन को अगर फर्स्ट वाली ट्रेन को क्रॉस करना है ओवरटेक करना है तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि उसको कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना है खुद की स्पीड से तो चलेगी कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है तो उतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना है जितना फर्स्ट वाली ट्रेन ऑलरेडी कवर कर चुकी है फर्स्ट तो वाली ट्रेन ऑलरेडी तो तो कितना तो डिस्टेंस कर चुकी है थ्री हंड्रेड तो सेकंड ट्रेन को हमको थ्री हंड्रेड किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करवाना है और हमको पता है एक घंटे में अगर हम दोनों की स्पीड को देखें तो एक घंटे में जो सेकंड वाली ट्रेन है वो बीस किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है एक घंटे में अगर बीस किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है तो तीन सौ किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगाएगी सो थ्री हंड्रेड डिडेड बाई ट्वेंटी गिवस अस फिफ्टीन आवर्स दैट मीन्स जो सेकेंड वाली ट्रेन है वो पंद्रह घंटे के बाद फर्स्ट वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी पंद्रह घंटे के बाद कब से पांच पी एम से पांच पी एम के बाद अगर हम पंद्रह घंटे देखें तो देखो सात घंटे में तो रात की बारह बजेगी और उसके बाद आठ घंटे और मतलब नेक्स्ट डे की एट ए एम हो जाएगी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एट ए एम द नेक्स्ट डे सो दिस विल बी दंसर टू दिस क्वेश्चन हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वहाँ से दोनों की स्पीड्स निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि सेकेंड वाली जो ट्रेन है वो फर्स्ट वाली ट्रेन को कितने डिस्टेंस कितने देर के बाद मतलब कितने बजे ओवरटेक करेगी सो दीज आर द सेवन एट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चन जो कि हम एग्जाम कंडीशंस में काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनमें ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी किसी का अगर स्पीड स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन पे थोड़ा सा अच्छा हाथ जमा हुआ है तो काफी इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है तो हमने एट क्वेश्चन करे दैट मीस एट इन टू फोर थर्टी टू मार्क्स हम यहाँ से बहुत ईजी कर सकते थे इसके अलावा भी दो तीन चार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो हम काफी इजिली उन क्वेश्चन को कर सकते हैं सो आई होप ऑल द क्वेश्चन इज करेक्ट सो आप किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच अटेंड करना है तो उसके लिए हम इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस दोनों चलती हैं एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कैन यू कैन कांटेक्ट ऑन द गिवन फोन नंबर सो दैट्स इट फॉर दिस थैंक यू